नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ये बैग बनाने का आसान सा तरीका। दोस्तों ये जो बैग है ये हमने वाटरप्रूफ बनाया है, मतलब इसके अंदर हमने पुराना जो बोरा होता है प्लास्टिक का वो डाला हुआ है। आप देखोगे इस तरीके से, ये देखिए आवाज भी आ रही है, यहाँ पे आवाज भी आ रही है। तो इसमें हमने अंदर बोरा डाला हुआ है। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हमने ये 4.5 इंच की पूरी पट्टी लगाई हुई है, जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे पूरा स्पेस आ जाता है, काफी इसमें यहाँ पे सामान आ जाएगा। और बहुत ही प्यारा सा बैग है, रेडीमेड लुक दी हुई है, रेडीमेड स्टाइल हमने तैयार किया हुआ है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों जो आपने बैग देखा है उसे बनाने के लिए आपने कोई भी पुराना यहाँ पे इस तरीके से ये बोरा ले लेना है, चावल का कोई भी, कनक वगैरह का कोई भी बोरा आता है तो इस तरीके से खाद वगैरह के ये बोरे ले लेने हैं। और हमने यहाँ पे ये प्लास्टिक का लिया है ताकि हम इसको वाटरप्रूफ बना सके। और यहाँ पे दो हमने इस तरीके के पीस कटिंग किए हुए हैं, कोई भी फैब्रिक आपके पास हो वो आप यूज करके यहाँ पे इस तरीके से ये बैग बना सकते हो। साइज की बात करें तो साइज हमारा यहाँ पे एक साइड से इस तरीके से लेंथ होगी हमारी 18 इंच, 18 इंच, और इस तरीके से देखेंगे हम यहाँ पे 14.5 इंच। अब हमने यहाँ पे इसी साइज का यहाँ पे ये हमारे पास बैग है तो इसकी कटिंग कर लेनी है। ऐसे कटिंग करने के बाद इस बैग के भी हम यहाँ से दो भाग कर लेते हैं, तो वाटरप्रूफ हमारा यहाँ पे ये बैग बनने वाला है। तो ये देखिए दो पीस हमारे यहाँ पे हो गए हैं इस तरीके से। तो ये इसमें आप एक साइड में इस तरीके से रखना है आपको, यहाँ पे कपड़ा ऐसे रख ले, जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और नीचे के लिए भी हमें इसी साइज का एक दूसरा पीस लेना है, उसको हम रख लेंगे नीचे। ये मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, बाद में हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले इस पे हम लगा लेते हैं सिलाई। तो नॉर्मल जैसे सिलाई की जाती है वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, जैसे कुल्टिंग वर्क किया जाता है वैसे ही इस पे कुल्टिंग वर्क होगा। और नॉर्मल तरीके से ये चल जाती है मशीन, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हमें हल्का सा इसको ऐसे हाथों से सेट करना है ताकि कोई झोल वगैरह ना रह जाए। और फिर से यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाएंगे हल्का गैप देते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये कोटिंग कर ली है। सीधी सीधी सिलाई लगानी थी तो हमने लगा ली है। इसके बाद हमारे पास एक पीस और है ये वाला, तो इसके ऊपर भी हम सेम इसी तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए इस कोटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बीच में रखना है ये बोरे जो है प्लास्टिक वाला, और नीचे की साइड हमने कोई भी अस्तर रखना है, और ऊपर हम यहाँ पे मेन फैब्रिक रखेंगे।
और सेम इसी साइज में इसको रेडी करेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पीसों पे यहाँ पे कुल्टिंग का काम जो है कंप्लीट अपना कर लिया है। इसके बाद जब हमारे पास ये दोनों पीस हैं तो हमें इनको जो हमारी पत्तियाँ ऊपर की साइड जाती हैं, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है जो भी आपका डिजाइन है उस हिसाब से सेट करें, और यहाँ पे एक साइड में हमें फोल्ड लगाना है। ये फोल्ड हम यहाँ पे 2 इंच तक का लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो पहले तो आप इसको इस तरीके से सेट कर ले अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहेगा, हमने अंदर बोरा डाला हुआ है प्लास्टिक का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए एक साइड पे हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, तो दूसरी साइड भी हमारी यहाँ पे ये रहेगी। इस साइड भी हम यहाँ पे 2 इंच का ही ये वाला फोल्ड लगाएंगे इस तरीके से। पहले इसको बैठा ले, सेट कर ले, और उसके बाद यहाँ पे हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों पीस हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे इसका साइज नापना है, एक साइड से यहाँ पे नापेंगे इतना, ये देखिए 16 इंच होता है, फिर इधर से यहाँ पे 30 इंच और फिर इधर से यहाँ पे 45 इंच। तो हमें 45 इंच की एक पट्टी और चाहिए, तो यहाँ पे ये है हमारे पास पट्टी, इस तरीके की हमारी यहाँ पे पट्टी होगी। इसकी जो चौड़ाई है हमारी 4.5 इंच की है, इसमें भी हमें यहाँ पे यही पीस लगाना है इस तरीके से, क्योंकि पूरा हमें वाटर प्रूफ बनाना है तो हमें यहाँ पे ये पीस लगाना होगा। और इस तरीके से यहाँ पे फिर से ये कपड़ा रखना है ऐसे, और यहाँ पे हम सीधी सीधी यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई लगा के जैसे हमने यहाँ पे ये कुल्टिंग किया है वैसे यहाँ पे इस पीस को भी हम कुल्टिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये पट्टी जो है ये रेडी कर ली है। पट्टी रेडी करने के बाद अब हमें बनाने हैं हैंडल।
तो यहाँ पे ये लिया है हमने पीस, जो हैंडल का साइज है हमने लेंथ में यहाँ पे ये 20 इंच की पट्टी है और 4 इंच की चौड़ाई वाली है, 4 इंच चौड़ाई वाली है। तो इसमें जो हम हैंडल तैयार करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे एक साइड से दूसरा ऐसे फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई, तो हमारा यहाँ पे ये हैंडल बनता चला जाएगा। दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे हम इस तरीके से नोक बना देंगे। अगर आप नोक नहीं बनाना चाहते तो ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड बना दी है, दूसरी साइड भी ऐसे ही नोक बनाएंगे। नोक बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड में भी हमने यहाँ पे गैप छोड़ दिया है और यहाँ पे ये फोल्ड कर लिया है। तो आप हैंडल की शेप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी किस तरीके की आ जाती है। तो अब हमें यहाँ पे एक पीस लेना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है। इसके जो धागे वगैरह हैं ये आप काट लें अच्छे से और यहाँ पे आपने इसको अटैच कर लिया। सेंटर से हमने 5 इंच का गैप रखा है, 2.5 इंच एक साइड और 2.5 इंच हमारा दूसरी साइड। और यहाँ पे इस तरीके से हमें एक साइड में ऐसे इसको पक्का करना है, सीधा रखते हुए ऐसे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से यहाँ पे हैंडल लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का हमारा हैंडल जो है बन करके लग करके हो गया है रेडी। सेम इसी तरीके से हम दूसरा जो पीस है इस पे भी निशान लगा के बराबर यहाँ पे हैंडल लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दोनों साइड के जो हैंडल हैं ये पीसों में अटैच कर लिए हैं। अब जब हमारे दोनों साइड के यहाँ पे पीसों में हैंडल अटैच हो जाएंगे, इसके बाद हमें यहाँ पे ये लेनी है पट्टी। ये जो पट्टी है ये लगानी है अब हमें। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस तरीके से हम इस पट्टी को रखेंगे। यहाँ पे ऐसे, और थोड़ी इस साइड से एक्स्ट्रा ये निकाल देते हैं और अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये एक पैर का या आधा इंच का मार्जिन लेके आपने अटैच करनी है।
पॉइंट पे आने के बाद हल्का सा यहाँ पे कट लगाएंगे और यहीं से इसको घुमा देंगे। यहाँ पे भी हम इस पे आपने ध्यान रखना है, नीचे जो सीधी पट्टी है यहाँ पे हमें हल्का सा कट लगाना है, यहाँ पे इस तरीके से ही घुमा देंगे। पहले इस पॉइंट तक पक्का करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे घुमा देंगे। यहाँ पे भी हम तकरीबन 2 इंच का गैप छोड़ते हुए ये इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये पट्टी हमने इस तरीके से लगा दी है। अब हम यहाँ पे दूसरा जो भाग होगा ये भी इसी तरीके से जोड़ेंगे, ऐसे ही करते हुए यहाँ पे। तो इस साइड से आपने चेक कर लेना है, ये हमारा बिल्कुल बराबर रहना चाहिए यहाँ पे ऐसे, मतलब इसमें आपका कहीं पे भी फर्क ना आए। तो इस पट्टी पे चाहे आप निशान लगा दें ऐसे सीधा करने के लिए, और यहीं से आप इसको दूसरे भाग को जोड़ना जो है स्टार्ट करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये जो बैक के 3 साइड में ये पट्टी लगा ली है, और आप बैक देख ही रहे होंगे कितना खुला डुल्ला यहाँ पे बैक बन जाता है। अब हमें जो ये हमने पट्टी लगाई है इस पे देनी है हमें बाउंड्री, ताकि ये धागे वगैरह ना निकले और पूरी हमारी यहाँ पे फिनिशिंग रहे। तो यहाँ पे बाउंड्री देने के लिए भी हमने एक पट्टी कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये वाली पट्टी ली है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच चौड़ाई वाली है। तो इस पट्टी को भी हम यहाँ पे जब अटैच करेंगे तो एक साइड से ऐसे रखनी है और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो नीचे की साइड हम पट्टी रखेंगे और ऐसे एक पैर चौड़ाई या आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको पलट के यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऊपर से सिलाई लगाएंगे, तो दोनों साइड हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक साइड में पट्टी लगा दी है,
तो इधर भी हमारी पूरी फिनिशिंग रहती है और इधर भी पूरी फिनिशिंग रहती है। ऐसे ही हम सभी जगह पे यहाँ पे भी इस साइड में भी ये पट्टी लगा लेंगे और नीचे की साइड भी यहाँ पे भी पट्टी लगा लेंगे। और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके की हमारा ये डिजाइन तैयार हुआ है और कितना बड़ा बैग हमने वाटरप्रूफ ये तैयार किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चारों साइड जो है पट्टी अपनी ये लगा ली है और हमारे बैग में जो है पूरी फिनिशिंग यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आप जहाँ ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा देख रहे हो, आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद दोनों साइड से इस तरीके की यहाँ पे डिजाइनिंग डाल देंगे। और यहाँ पे जब हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप बना लेंगे, नीचे से हम इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे डिजाइन बन जाएगा। और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई अंदर की साइड से। अंदर की साइड से सिलाई लगाने के बाद डिजाइनिंग कुछ हमारी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए दोनों साइड में हमने इस तरीके की डिजाइनिंग दे दी है और पूरा बैग आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाटरप्रूफ बैग होगा और बहुत ही प्यारा सा ये बैग है। और इसको हमने जो यहाँ पे तैयार किया है, पुराना जो बोरा होता है उसकी मदद से वाटरप्रूफ हमने इसको बना दिया है। और आप देखोगे भी इसमें कितना स्पेस है, स्पेस की बात करें तो यहाँ पे पूरा स्पेस रहने वाला है। अगर आप इस तरीके का ये बैग बनाते हो तो बहुत ही सुंदर लगेगा। हमने नीचे की साइड यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिजाइनिंग होगी, इस तरीके की डिजाइनिंग होगी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है और बिल्कुल रेडीमेड जो बैग आते हैं उस तरीके की यहाँ पे इसकी लुक लग रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।